हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं लेक्चर में बात करने वाले हैं स्फेरिकल कैपेसिटर यानी गोली संधारित्र। देखिए क्या होता है। अब तक अपन ने जो नॉर्मल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बड़ा समांतर प्लेट संधारित्र, उसमें दो प्लेटें थी, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता था और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता था। कॉन्सेप्ट यानी उसका प्रिंसिपल आपको याद होना चाहिए कि एक हमारे पास चार्ज प्लेट है जो कि पूरी तरीके से चार्ज है, और उस चार्ज प्लेस के पास में एक अनचार्ज प्लेस प्लेट अपन लेकर आते हैं, और ड्यू टू इंडक्शन यानी प्रेरणा के कारण यहाँ पर धनावेश आ जाते हैं और यहाँ पर धनावेश, यहाँ से फिर ये आवेश हट जाएंगे और इसको फिर अपन ग्राउंड कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास एक ही चार्ज प्लेट थी और इसके पास में अपन दूसरी चार्ज प्लेट लेकर आए। यहाँ पर भी सेम ही चीज़ है, हमारे पास दो स्फेयर, ये दो सर्किल नहीं, दो स्फेयर एंड गोले हैं। ठीक है, और अंदर वाले, जैसे हमें सामान है कि अंदर वाले को हमने नेगेटिव चार्ज दिया, तो इंडक्शन की वजह से, प्रेरण की वजह से जो बाहर वाला गोला है उसकी इनर सरफेस के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और इसकी जो आउटर सरफेस है उसके ऊपर कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इस नेगेटिव चार्ज को हटाने के लिए हम उसी टेक्निक का यूज़ करेंगे जैसे पहले यूज़ करा था, मतलब उसको ग्राउंड कर देंगे। ग्राउंड करते ही जो बाहर वाले चार्जेस वो सारे क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। यहाँ पर कोई भी चार्ज हमारे पास नहीं रहेंगे। यहाँ पर अगर अपन बात करें, यहाँ पर कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास कैपेसिटर बना है इसी को हम बोल रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब यहाँ पे हमें निकालना है, इसकी वजह से किसके लिए निकालनी है, इसके लिए हमें सी के लिए निकालनी है। सी को स्टूपर ने पढ़ा था किसकी होता है, क्यू बाय वी। तो चार्ज अगर हमें पता है, अगर चार्ज नहीं पता तो चार्ज डेंसिटी पता होनी चाहिए यानी सिग्मा इंटू ए और अपॉन वी। ठीक है, अगर चार्ज पता है तो वेल एंड गुड है, अपन सीधी सीधी क्यू की वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम चार्ज ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमें पता है क्यू, तो क्यू अपॉन जो हमारा वी फॉर्मूला है सी का, उसमें क्यू हमें ऑलरेडी नोन है। ठीक है, अंदर वाले सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज है और उसकी वजह से इंडक्शन की वजह से बाहर वाली सरफेस पे, बाहर वाले जो स्फीयर के इनर सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज आ गया। अपने को निकालनी है वैल्यू ई की। अब स्फीयर के अंदर यानी गोले के अंदर तो जो ई की वैल्यू होगी इतनी जीरो है, लेकिन बाहर वाले सरफेस पे बात करते हैं कि उसके ऊपर क्या बोलते हैं ई की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी। इसके लिए क्योंकि अपने को वैल्यू तो वी की निकालनी है, एट द एंड ऑफ द डे हमें वी की वैल्यू निकालनी है, तो अपन ऐसा करते हैं हम डायरेक्टली वी की वैल्यू से चल लेते हैं। तो वी की वैल्यू निकालने के लिए बाहर वाला स्फीयर, तो बाहर वाले स्फीयर के ऊपर जो वी की वैल्यू आएगी वो आएगी के क्यू अपॉन आर। ठीक है, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए पॉजिटिव, और उसका रेडिएशन है त्रिज्या को अगर अपन आर बी मान लें तो हम लोग जाएगा आर बी। बाहर वाले स्फेयर, सॉरी अंदर वाले स्फेयर पर, अंदर वाले गोले पे जो चार्ज पोटेंशियल आ जाएगा वो आएगा के क्यू अपॉन आर ए, जहाँ पे आर एस की त्रिज्या है, रेडियस, और माइनस के उसके ऊपर चार्ज। फाइन, सो हमारे पास अंदर वाले बाहर वाले पे टोटल मतलब पोटेंशियल की वैल्यू आ गई एक के ऊपर एक के ऊपर आर बी, एक के ऊपर के क्यू अपॉन आर ए। सो टोटल पोटेंशियल सिस्टम पे कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर बी माइनस के क्यू अपॉन आर ए। इसमें आप के क्यू कॉमन ले लीजिए, अंदर आ जाएगा वन अपॉन आर बी माइनस वन अपॉन आर ए। अब समझने वाली कुछ बात है, उसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, बिकॉज आर पी जो है आपका बाहर वाला जो, सॉरी अंदर वाला जो स्फीयर है उसकी रेडियस कम है, तो वन अपॉन आर बी की वैल्यू जो ज्यादा होगी। ओके, आई गेस आई डिड अ मिस्टेक। अंदर वाले को एक मिनट रुकिएगा। ओके, हाँ अंदर वाले को हमने आर बी मान रखा है, तो हाँ आर बी की हम बोल रहे हैं कि रेडियस कम है और आर ए की ज्यादा है, तो आर बी जो होगा वन अपॉन आर बी वो ग्रेटर दोनों का वन अपॉन आर ए के। ठीक है, हमारा एक्सप्रेशन ही आ रहा है, तो इस एक्सप्रेशन के अंदर क्योंकि वैल्यू नेगेटिव आएगी इसलिए अपन माइनस कॉमन लेते, तो एक्सप्रेशन हो जाएगा के क्यू अपॉन वन अपॉन आर बी माइनस अपॉन आर ए। सो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा माइनस कॉमन लेने के बाद। देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, जैसे मैंने आपको बताया वही सब चीजें यहाँ लिखी हुई है, हमारे पास वैल्यू आ गई। आपको चाहिए तो एलसीएम ले लीजिए, आर इंटू आर बी एलसीएम आ जाएगा और ये ऊपर हमारे पास टर्म आ जाएगी। अब यहाँ पे क्योंकि बाहर वाला जो स्फीयर, अगर मैं सिस्टम को अलग कर दूं, सिस्टम के अंदर पोटेंशियल अपन ने निकाल दिया, उसके लिए माइनस का के अपॉन के क्यू अपॉन वन अपॉन आर बी माइनस वन अपॉन ए आर ए आ गया, और बाहर वाले सरफेस के ऊपर, आउटर सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल है वो कितना है, जीरो। तो आउटर माइनस इनर पोटेंशियल करते हैं तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल ये आ जाता है, माइनस माइनस हमारा हो गया प्लस, हमारे पास ये पोटेंशियल आ गया। अब सी इक्वल टू क्यू बाय वी फॉर्मूला होता है, वी के लिए हमारे पास है, क्यू के लिए हमारे पास है, रख दीजिए, यू विल गेट दिस फॉर्मूला। सो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक, सॉरी एक गोलीय संधारित्र पर एक स्फेरिकल कैपेसिटर पर कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई है। ये एरिया फिर वैक्यूम है क्योंकि अपन यहाँ पर सारे नॉट यूज करा है। अगर इसकी जगह मैं
एप्सिलॉन सॉरी कोई मीडियम यूज करता हूँ तो ऑब्वियस है इसके अंदर थोड़ी सी कहानी चेंज हो जाएगी। उसमें हमको पता है एप्सिलॉन नॉट किससे रिप्लेस हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर से। ठीक है, तो यहाँ पे इस एप्सिलॉन और इनसे एप्सिलॉन आर को अपन एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, इसलिए अगर अपन कोई मीडियम लेते हैं तो हमारा एप्सिलॉन हो गया, और एप्सिलॉन को अपन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिखा, एप्सिलॉन आर को बाहर ले गया और हमारा जो फॉर्मूला है वो ये बन गया। यानी स्फेरिकल कैपेसिटर में कोई मीडियम यूज करने पे उसका जो कैपेसिटेंस है वो एप्सिलॉन आर टाइम हो जाता है जो वैक्यूम में था। एप्सिलॉन यहाँ पे आर यहाँ पे क्या परावर्तकांक या फिर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब अगर हम कुछ स्पेशल केसेस लेके चले कि हमें से मान के चलने की भाई जो हमारा आर ए है वो इन्फाइनेट है, मतलब जो बाहर वाला जो स्फीयर है बहुत बड़ा है इन्फाइनेट लेंथ का है और आर बी की वैल्यू आर के इक्वल है, तो अपन को पता है उस केस में ये स्फीयर के इक्वल आएगा। जो अपने फॉर्मूला पढ़ा था 4πε(r) उसी इक्वल इसका एक्सप्रेशन आएगा। आप सब्स्टिट्यूट करके देखिएगा आपको समझ आएगा। देखिए ये हमारा एक्सप्रेशन है, समझिए ये हमारा एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन के अंदर अगर मैं आर ए की वैल्यू को जो है हमने इन्फाइनाइट माना और आर बी की वैल्यू को अपन आर माना, इसमें जब अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे। अच्छा, इससे भी इजी मेथड ये है कि हम ये वाले एक्सप्रेशन लेके चल लें, क्योंकि अगर मैं वी की वैल्यू लेके चलूंगा तो उस केस में मेरे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा 4π एप्सिलॉन नॉट और 1/RB-1/RA। तो बी की वैल्यू को अपन ने आर बी की वैल्यू को अपन ने आर रख रखा है और आर ए की वैल्यू को इन्फाइनाइट, और जब 1/infinite करेंगे तो उसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, से वैल्यू ऊपर चली जाएगी। सो हमारे पास एक्सप्रेशन 4πε0 इंटू आर ही बचेगा। यानी एक स्फेरिकल कैपेसिटर के सॉरी स्फेरिकल एक स्फीयर की वजह से कैपेसिटेंस के इक्वल। अब एक केस छोटा है कि अगर अपन आर वन और आर टू को बहुत बड़ा मान लें, मतलब ये जो दोनों गोले हैं वो बहुत 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 बड़े हैं, ठीक है ना, हीरो से काफी बड़े, उनकी रेडियस बहुत बड़ी मान ली अपन ने और उनका डिफरेंशियल कोई ना कोई कॉन्स्टेंट नंबर है, उस केस में एक छोटा सा अजम्पशन होता है। वो अजम्पशन ये है कि हमारा जो आर वन इंटू आर टू का प्रोडक्ट होता है वो 4πr² में एरिया के इक्वल आ जाता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। वे कैसे है क्योंकि 4π अपने आप में छोटी सी क्वांटिटी है और आर वन और आर टू का प्रोडक्ट बहुत ज्यादा आएगा, तो इसको अपने आर स्क्वायर मान लिया। इस केस में आर वन इंटू आर टू 4πr² के इक्वल आ जाएगा यानी एरिया के इक्वल। बस इसके अंदर अपन को आर वन इंटू आर टू किसके इक्वल रखना है, 4πr² दैट इज एरिया के इक्वल, और ये जो डिफरेंस है इसको डी से रिप्लेस करना है। सो विल गेट 4πε0 a/d। सो ये एक्सप्रेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये एक्सप्रेशन हमारा वापस भी आ गया। अगर दोनों प्लेट जो है बहुत बड़ी है अपने आप में बहुत बड़ी है तो उनका शेप अप्रोक्सीमेटली एक पैरेलल प्लेट की तरह हो जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें रहने वाला है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, उसमें से सिर्फ सीरीज कॉम्बिनेशन इस लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपन उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। देखिएगा वैसे ये जो है आप ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ा है अपने रेसिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है दो टाइप का, सीरीज और पैरेलल। यहाँ पे भी हमारे पास दो टाइप की कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन और समानांतर क्रम संयोजन। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है कुछ इस तरीके का है, हमने बहुत सारे कैपेसिटर को इस तरीके से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, एक बैटरी के थ्रू एक की और लगा देते हैं। और पैरेलल के अंदर ऑब्वियस ही बात है सारी प्लेटों का एक कॉमन टर्मिनल, एक ही क्या बोलते हैं पॉइंट से, यानी एक ही बैटरी के एक ही कॉर्नर से और दूसरा दूसरी कॉर्नर से यहाँ पे अटैच होगा। बस बात अपने को याद रखनी है सीरीज के अंदर जो हमारा चार्ज होता है वो चेंज होता है, सॉरी सीरीज के अंदर हमारा चार्ज होता है वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट रहता है, मतलब ये चेंज नहीं होता, वेरी नहीं करता। लेकिन पैरेलल के अंदर हमारा वोल्टेज जो है वो क्या करेगा, वो कॉन्स्टेंट रहेगा। तो सीरीज के अंदर हमारा चार्ज और पैरेलल के अंदर वोल्टेज हमारा कॉन्स्टेंट रहता है। तो बस इसी को लेकर के हमने इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाया। अब देखिए ऐसा हुआ क्यों, समझते हैं इसको, मैं दो से समझाता हूँ आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है पहले प्लेट से कनेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, अब पीछे भी आएंगे लेकिन ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे और यहाँ के पॉजिटिव चार्ज इधर चले जाएंगे जैसा अपन ने प्रिंसिपल में देखा था। फिर क्योंकि ये दोनों कॉमन वायर से अटैच है तो जो चार्ज इस पे वही चार्ज इस पे भी आना चाहिए, तो इसके ऊपर बाहर जो हमारी सरफेस है इसके ऊपर कैसे चार्ज जाएगा, नेगेटिव चार्ज, इसकी वजह से अंदर जो है वो कैसे चार्ज जाएगा, पॉजिटिव चार्ज।
फिर सेम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, अगले वाले पे पॉजिटिव चार्ज एंड सो ऑन। सो इस तरीके से इस पे भी क्यू चार्ज रहा, इस पे क्यू चार्ज रहा, और अगले पे भी कितना रहेगा, क्यू ही रहेगा। तो सबके ऊपर चार्ज क्यू 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 है, लेकिन सबके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट होगा, और कैपेसिटेंस तो अपन को सबका अलग अलग मानना ही है। ध्यान रखना जो चीज डिफरेंट होती है वही निकालते हैं। जैसे हमारा फॉर्मूला है क्यू इक्वल टू सी वी, तो डिफरेंट क्या है वी, तो वी क्यू निकालेंगे क्यू बाय सी से। पहले कैपेसिटर के लिए वी वन इक्वल टू कितना आएगा, क्यू बाय सी वन। दूसरे कैपेसिटर के लिए वी टू कितना आएगा, क्यू बाय सी टू। और तीसरे कैपेसिटर के लिए वी थ्री कितना आएगा, क्यू बाय सी थ्री। ऐसा मान के चलो कि पूरी बैटरी वी, सपोज मैंने 10 वॉट की बैटरी ली, पहला कैपेसिटर 5 वॉट से, दूसरा कैपेसिटर 2 से, तीसरा कैपेसिटर 3 वॉट से चार्ज है। तो इस केस में हमारे पास टोटल पोटेंशियल इनके सम के इक्वल होना चाहिए, मतलब 10 वॉट की बैटरी इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो गई। इस तरीके से हमारा टोटल पोटेंशियल जो बैटरी का वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसकी वैल्यू हम ऐसा मान के चल रहे थे कि भाई सी एस सी एस मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब जब अपन कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे तो उनका कोई ना कोई रिजल्टेंट तो आएगा, इसको सी एस नाम दे देते हैं। फर्स्ट वाले का क्यू अपॉन सी वन प्लस क्यू अपॉन सी टू प्लस क्यू अपॉन सी थ्री। इसमें से जो क्यू है वो कॉमन निकल जाएगा और कट जाएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला कुछ ऐसा बचेगा। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो कैपेसिटेंस होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी तुल्य, हमारा जो तुल्य धारिता है वो सभी धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। अगर हमारे पास n कैपेसिटर है तो सीधे सीधे n जुड़ जाएंगे। अब हम दो ही कैपेसिटर के बारे में बात करते हैं। मैंने कुछ स्पेशल केसेस लिए हैं, स्पेशल केसेस बहुत कम आएंगे इसलिए आपको सीधा सीधा लर्न ही करना है। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो सी वन सी टू, ऊपर आ जाएगा हमारे पास सी टू प्लस सी वन, क्योंकि अपने को वन अपॉन सी एस की होनी चाहिए, अपने को तो इसके लिए चाहिए सिर्फ सी एस की। तो इसका रेसिप्रोकल करने के बाद वैल्यू आ जाएगी सी एस इक्वल्स टू सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू। ये दो कैपेसिटर का केस है, फाइन। अब अगर सारे कैपेसिटर इक्वल हो जाए ना, सी वन सी टू सी थ्री सब आपस में इक्वल हो जाए, मतलब सारे कैपेसिटर जो आपने लगा रखे हैं वो सबके सब कैसे सेम है, सब दो दो माइक्रोफैरड के लगा दी, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को अपन क्या लिखेंगे, वन अपॉन सी एस इज इक्वल टू वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन सी ए एन टाइम्स आ जाएगा। और इसको अपन लिख सकते हैं वन अपॉन सी एस इज इक्वल टू एन बाय सी, जैसे मैं वन अपॉन नाइन वन अपॉन नाइन को दस बार लूंगा तो उसको टेन अपॉन नाइन लिख सकते हैं, वैसे ही कुछ मैंने लिखा है इसके अंदर। अब यहाँ पे देखिएगा इस अकॉर्डिंग, अब क्योंकि मुझे सी एस के लिए चाहिए तो सी एस के लिए मेरे पास कितनी हो जाएगी, सी बाय एन। सो दिस इज द फॉर्मूला जो हमारे बहुत कम आएगा, जब सारे कैपेसिटर सेम हो तो फॉर्मूला हो जाता है सी बाय एन, वरना जनरल फॉर्मूला हमारा ये है। उसके अलावा दो कैपेसिटर के लिए अपन ये यूज कर सकते हैं। एक लास्ट चीज के अंदर जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सॉरी श्रेणी क्रम संयोजन में सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, वो ये है कि अगर हमारे कोई डायलैक्ट्रिक मटेरियल कुछ इस तरीके से फिल्ड है, मैं दो से समझा देता हूँ आपको। ये पहला डायलैक्ट्रिक मटेरियल फिल्ड है, दूसरा डायलैक्ट्रिक मटेरियल फिल्ड है, परावैद्युत पदार्थ इसका के वन है, इसका के टू है। तो कभी भी अगर अपन डिस्टेंस, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूटर है, हो सकता है ये थ्री बाय फोर्थ पार्ट में भरा हो, वन बाय फोर्थ में भरा हो, ऐसा मान के चलो तो आधे आधे भाग में भरा हुआ है, हाफ ऑफ पार्ट में। ये हमारा कोई मटेरियल, जैसे यहाँ पे मैंने मान लिया कि आपका माइका भरा हुआ है और यहाँ पे आपका पेपर भरा हुआ है, तो कभी भी जब डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उस केस में हमारा जो कैपेसिटर होता है वो हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में बनता है। इसके अंदर भी डिस्टेंस जैसे डी बाय टू मान लिया मैंने, तो इस पे डिस्टेंस डी बाय टू आ जाएगा, इस पे डिस्टेंस डी बाय टू आ जाएगा, इसका भी एरिया ए है, इसका भी एरिया ए ही है, बस इसमें जो डायलैक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है वो के वन है और इसमें जो डायलैक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है वो के टू है। बस अब सीरीज कॉम्बिनेशन के इससे पहले अपने को सी वन की वैल्यू निकालनी है, एप्सिलॉन नॉट के वन ए बाय डी बाय टू। ऐसे जब सी टू की वैल्यू निकालेंगे आप तो आ जाएगी हमारे पास एप्सिलॉन नॉट के टू ए बाय डी बाय टू। बस हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू है, पैरेलल प्लेट पैरेलल सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का। यहाँ पे मैंने तीन का लिया, तीन से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे तीन के केस में डी बाय थ्री ले लिया मैंने, समान लेके भाई तीनों इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो हमारा जो थ्री है वो ऊपर चला गया, जब थ्री ऊपर चला गया तो हमें ये फॉर्मूला मिल गया ऐसे सी टू के लिए ऐसे सी थ्री के लिए। कॉम्बिनेशन में ऐसा कुछ होता है, सीरीज में भी पेपर ने पढ़ा था। फिर इनकी वैल्यूज रखनी है, डी अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, ये कॉमन आ रहा था बाहर ले लिया, ये अंदर बच रहा था क्योंकि मुझे तो वन अपॉन एस की वैल्यू चाहिए, सॉरी सी एस की वैल्यू चाहिए, तो पहले एलसीएम ले लिया मैंने,
और फिर उसका क्या कर दिया मैंने, रेसिप्रोकल उल्टा कर दिया। ये क्वेश्चन से समझते हैं कि मैं क्या कह क्या रहा हूँ इतनी देर से। जैसे मैंने 3 केमिस्ट लिए, 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड और 5 माइक्रोफेरेड के, और तो की दिख रहा है आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में, और मुझे टोटल कितना कैपेसिटेंस होगा इन सबका मिला करके वो निकालना है। सो बेसिकली मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इनको अगर मैं एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस करूँ तो इस कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, ये मुझे निकालना है। तो इसके लिए, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो अपने सीरीज कॉम्बिनेशन का सीधा सीधा क्या लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पे जैसा मैंने आपको बोला था, वो वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री, फिर एलसीएम 30 आया, सॉल्व करने पे वैल्यू है मेरे पास 30/31, क्योंकि 1/CS की वैल्यू थी, मुझे CS की वैल्यू चाहिए, तो आ जाएगी मेरे पास 31/30 माइक्रोफैरेड। इस तरीके से अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इस तरीके से ये भी क्वेश्चन मैंने डाल रखा है, तो ठीक है, अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो भी आप लोगों के लिए सफिशियंट है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब।